आदिकाल से इच्छाधारी नाग और नागिनों की कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं। बहुत से लोग इन कहानियों पर विश्वास करते हैं और बहुत से लोग इन्हें कोरी दंत कथाएं समझते हैं। इस फिल्म की कहानी भी एक इच्छाधारी नागिन की कहानी है जो काल्पनिक होते हुए भी दर्शकों को सच्चाई की ओर ले जाएगी। मगर दर्शकों से हमारा निवेदन है कि वो इस फिल्म को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही देखें। इसे पदम नाग ने काटा है और जिसे काटे पदम वो चले न एक कदम। फिर भी मैंने अपनी विद्या का पूरा पूरा प्रयोग किया है लेकिन अब इसके बचने की कोई आशा नहीं। ऐसा मत कही होगी राज जी, आप तो एक महान तांत्रिक हैं। मैं तांत्रिक हूँ भगवान नहीं। मंत्र फूक सकता हूँ मगर मुर्दे में प्राण नहीं फूक सकता। कल ही तो इसे दुल्हन का जोड़ा पहनाना है, कफन कैसे पहनाएंगे? देवी मैं मजबूर हूँ, अब ये नहीं बच सकती। ये बच सकती है। सूरज तुम? हाँ मैं। बाप न मारे मेंढकी बेटा तीरंदाज। अरे छोरे जितनी तेरी उम्र रही उससे ज्यादा मेरा तजुर्बा है और तू मुझे ललकारने आया है। मगर इतना याद रख कि मोर के पंख लगाने से कौवा मोर नहीं बन जाता। योगीराज माना तलवार बड़ी होती है और सुई छोटी, मगर तलवार जख्म देती है और सुई जख्म सीती है।
पिता का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारी इस कामयाबी की खुशी में मैं भगवान शिव के मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। ठीक है माँ। बेटे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बीन के असर से जो खिंची चली आई वो कोई मामूली नागिन नहीं थी, बल्कि इच्छाधारी नागिन मोहिनी थी। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा, पद्म नाग के कांटे को सिर्फ इच्छाधारी ही बचा सकते हैं, वो कोई और नहीं थी, यकीनन इच्छाधारी नागिन मोहिनी ही थी। मोहिनी जिसे बस में करने के लिए बड़े बड़े तांत्रिक गए और मारे गए। अगर वो तुम्हारे मंत्रों की शक्ति और बीन के असर से खींची आ सकती है तो समझ लो वो तुम्हारे बस में है। और अगर तुमने मोहिनी को बस में कर लिया तो नागमणि हमारे हाथ में होगी और हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली होंगे। बेटे मैंने तुम्हें विद्या दी है, तुम मुझे मणि ला कर दो, यही तुम्हारी ओर से गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है बापू, मैं मोहिनी को अपने बस में करूंगा, मगर वो मिलेगी कहां? रीवा जंगल में। ठीक है बापू, मैं आज ही रीवा जंगल के लिए निकल पड़ता हूं। अभी नहीं बेटा, पूनम की रात को छिटकी हुई चांदनी में इच्छाधारी नाग नागिने खेलने आते हैं और उस वक्त तांत्रिक के मंत्रों की शक्ति भी दुगनी हो जाती है। मगर बेटा तुम यहां से दो दिन के बाद निकलना, क्योंकि अभी ग्रह ठीक नहीं है। तो समझ लो बापू, पूनम की रात को मोहिनी मेरे बस में होगी और मणि हमारी मुट्ठी में होगी। इसके बदले में मैं तुम्हें वो मांगी कीमत दूंगा। सेठ जी, बेची तो वो चीज जाती है जिसका कोई मोल हो, मणि तो अनमोल है। गोल? अरे गोल हो या चौरस, हमें इसे क्या लेना, हमें तो मणि से मतलब है भाई। गोल नहीं, अनमोल। पोल? ओहो, इसमें कैसा पोल, हम पैसा दे रहे हैं और मणि ले रहे हैं। अरे पोल नहीं, अनमोल, समझे? झोल? अरे कोई झोल झाल नहीं है, सीधा साधा सौदा है। ओहो, ये तो बहरा है, इस बहरे से क्या बात करूं, कुछ सुनता ही नहीं है। राम राम। अरे ये तो गया भाई, कोई दूसरा तांत्रिक है जो इस तरह का काम कर सकता है? है, नागेश्वर गुरु। शुरू? अरे अब क्या शुरू करें, काम तो खत्म हो गया, शुरू। जनार्दन, तुम क्यों नहीं लगवा लेते कान की मशीन? बीन? अरे बाबा, अगर मुझको खुद बीन बजानी आती तो मैं तांत्रिक ना बन गया होता। बीन नहीं यार, कान की मशीन, कान की मशीन। अच्छा अच्छा अच्छा, कान की मशीन, लेकिन मैं कोई बैरा हूं जो कान की मशीन लगाऊंगा? मगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। गुरु नागेश्वर। क्या? गुरु नागेश्वर, बहरे तू ये भी नहीं समझेगा। ईश्वर। जय सिद्ध बाबा नागराज, जय सिद्ध बाबा नागराज, जय सिद्ध बाबा नागराज। हाँ तो सेठ जनार्दन, तुम्हें मणि चाहिए, किंतु हमें क्या प्राप्त होगा? समाप्त होगा? अभी तो बात शुरू हुई है नागराज, और आप अभी से समाप्ति की बात कर रहे हैं? समाप्त नहीं, प्राप्त। अरे वो पैसा मांग रहे हैं, पैसा। अच्छा अच्छा, पैसा कितना? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? अरे बाबा, 1 करोड़ रुपया। एक, एक, एक करोड़ बहुत ज्यादा है, मगर मणि अनमोल है। ठीक है, 1 करोड़ दे दूंगा। तो ठीक है, तुम 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, मणि हम ला के देंगे। अरे मणि तुम कैसे ला कर दोगे, तुम्हारा चला योगी राज तो सूरज से मात खा चुका है। चेले ने मात खाई है, गुरु ने नहीं। अगर वो सूरज है तो मैं ग्रहण हूँ। विद्या से, छल से, कपट से, जैसे भी हो, मणि मैं लेकर आऊंगा। खाऊंगा? मैं खाना खा कर आऊँ, मैं भला क्यों खाऊंगा? अरे खाऊंगा नहीं, मणि मैं लेकर आऊंगा। अरे चिल्लाते क्यों भाई, आहिस्ता बोलो, बहरा थोड़े हूँ। ठीक है, तुम मणि का इंतजाम करो, मैं पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। गुरु जी, क्या आप 1 करोड़ रुपया लेकर इसे मणि भेज देंगे? नहीं योगीराज, नहीं, हम पहले इस बहरे से 1 करोड़ रुपया लेंगे, फिर मनी के बदले से मौत देंगे। जय सिद्ध बाबा नागराज। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। घबराओ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, बाबू की दी हुई विद्या, तुम्हारा आशीर्वाद और भगवान के नाम का सहारा मेरे साथ है। कुछ भी हो बेटा, मैं जानबूझकर तुझे मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगी। ये अंगूठी रखो माँ, जब तक इसका नक्श सफेद रहेगा समझ लेना कि तुम्हारा बेटा सुरक्षित है।
जिस दिन इसका नग नीला पड़ जाए समझ लेना मोहिनी का वार मुझ पर हो गया है। नहीं नहीं, मैं अपने दूध को किसी जहरीले नागिन के जहर से नीला होते नहीं देख सकती। हिम्मत से काम लो पार्वती, जिन बच्चों की माएं उनके सर से अपनी ममता का आंचल नहीं हटाती वो बच्चे कभी कामयाबी नहीं देखते। जाने दो इसे। आशीर्वाद दो मां। कसम जवानी की, जवानी ही मैं मर जाऊंगी, जवानी ही मैं मर जाऊंगी। मेरे सपनों के राजा, राजा सपनों के राजा, भगवाना है तो आजा, आजा आना है तो आजा, वरना मुझे कसम जवानी की, जवानी ही मैं मर जाऊंगी, जवानी ही मैं मर जाऊंगी।
मेरी बीन। योगीराज, बहुत जल्दी ये सपना सच होने वाला है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। निकली चमुंडा बचे गुरुजी, गुरुजी मुझे बचा लीजिए। गुरुजी, गुरुजी। इतने घबराए हुए क्यों हो योगीराज? अरे गुरुजी, मैं आप ही को खोज रहा था गुरुजी। नागिन मोहिनी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सपनों में सोते बैठते उठते जागते चारों तरफ वही दिखाई देती है। इससे पहले कि वो हमारा पीछा करे, हम उसका पीछा करेंगे। वो हमें मार डाले, हम उसे मार डालेंगे। लेकिन उसे मारे कैसे गुरुजी? कल अमावस की रात है और अमावस की अंधेरी रात में इच्छाधारी नाग और नागिन ने अपनी मणि उतार कर उसकी रोशनी में खेल खेलते हैं। तुम अच्छा सा मौका देखकर उसकी मणि पर काला कपड़ा डाल देना और जब अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, लाठियों से मार मार कर उसे मार डालना। जल्दी उतार कर फेंक देना, नहीं तो तुम लोगों को हानि पहुंचेगी। अब माला फेंक दीजिए, फेंक दीजिए। आओ योगीराज आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। गुरुजी कैसा रहा? मैंने नागिन को मार डाला गुरुजी। असंभव, उसे मारना इतना आसान नहीं। मैं सच कहता हूँ गुरुदेव, मैंने उसे मार दिया है। कोई प्रमाण, कोई सबूत? उसका सबूत है ये मणि। शाबाश चेले शाबाश, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुमने उसे मार डाला है, क्योंकि जीते जी कोई भी इच्छाधारी नाग या नागिन अपनी मणि दूसरे के हाथ नहीं देते। लाओ ये मणि मुझे दे दो, मैं भी तो देखूं। अवश्य गुरुदेव, आप ही के लिए तो लाया हूं, ये लीजिए। गुरुदेव, ये आपने क्या किया? मेरी चीज थी, मुझे मिल गई। तुमने जिसे मारा था वो एक साधारण नाग था। तो फिर तुम कौन हो? मोहिनी तुम? हाँ मैं। योगीराज, खौफ ने तुम्हारे सोचने की शक्ति छीन ली और मूर्खता ने सूंघने की शक्ति। तुम्हें अपने गुरु का चेहरा तो नजर आया, लेकिन नागिन के जिस्म की बू नहीं आई। जन कल्याण करने वाला तपस्वी,
जब लालची कुत्ता बन जाता है तो उसका यही अंजाम होता है। मगर घबरा मत कमीने, मैं तुझे भी जान बचाने का मौका दूंगी। जंगल में तेरी माला पड़ी है, जा उठा ले उसे और बचा ले अपनी जान। देख, 20 कदम पर तेरी माला पड़ी है, तेरी जिंदगी पड़ी है, जा उठा ले उसे। मगर योगीराज, वहां तक पहुंचने के लिए तुझे पैरों पर नहीं पेट के बल रेंगना होगा। तेरी जिंदगी है, उस तक पहुंचने के लिए तूने 10 कदम का फासला तय किया और तेरा ये हाल हो गया। मेरी तरफ देख कमीने, मैंने पेट के बल रेंगकर 100 साल का फासला तय किया था अपने प्रेमी को पाने के लिए, और जब वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा होने वाला था तब तुम लोगों ने उसे मार डाला। तो बचना चाहता है ना, जा बचा ले अपने आप को, उठा वो माला। कमीने रेंग रेंग, कमीने रेंग। कातिल भी आज मारा गया, लेकिन चौथा कातिल बहुत ताकतवर है। उसके नाम का चिराग तो बुझेगा ही, पर शायद उसके मौत की खबर सुनाने मैं आप तक ना आ सकूं। आप कहां जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। तूने योगीराज को भी मार डाला नागिन, लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकेगी। तेरा अंत मेरे हाथों से लिखा है। अंत तो तेरा आ गया है नागेश्वर। भवानी, तू? हाँ मैं। तूने मेरे बेटे को तो मार दिया, लेकिन मेरी बहू को नहीं मार सकता। जिस मणि के लिए मैंने तेरे बेटे को मारा था, उसी मणि के लिए मैं तेरी बहू को मारूंगा। कल महानाग पंचमी है, और ये नाग पंचमी 100 साल में एक बार आती है। उस दिन सब नाग और नागिने अपनी मणि त्याग कर शिव जी की पूजा करते हैं, और कल जब मोहिनी पूजा में लीन होगी उस समय मैं उस पे वार करूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इसे उठाकर आश्रम के बाहर फेंक दो। गुरुजी, गुरुजी, मैंने भवानी प्रताप की पत्नी को जंगल की ओर भागते हुए देखा है, वो आश्रम की ओर से आ रही थी। इसका मतलब है कि उसने हमारी सारी बातें सुन ली और वो जाके मोहिनी को बता देगी, और जब मोहिनी को पता चलेगा तो हमारे जाल में नहीं फंसेगी। मैं भवानी की पत्नी को मोहिनी तक पहुंचने नहीं दूंगा। नागराज पदम जाओ और भवानी की पत्नी को मोहिनी के पास पहुंचने से पहले खत्म कर दो। नागेश्वर ने आपको खत्म करने के लिए पद्मनाग को भेजा था। हाँ। मैंने उसे खत्म कर दिया। अच्छा किया बेटी, वरना वो खबर मैं तुम तक ना पहुंचा पाती जिसके लिए यहाँ तक आई हूँ। कैसी खबर माँ जी? बेटी, नागपंचमी के दिन तुम मंदिर में पूजा करने मत जाना, नागेश्वर तुम पर वार करने वाला है। माँ जी, 100 साल के बाद हम इच्छाधारी नाग नागिनों के लिए वो दिन आता है, मैं पूजा करने जरूर जाऊंगी। आप बेफिक्र रहिए, आपके बेटे के कातिल को खत्म किए बिना ये मोहिनी नहीं मरेगी।
के सारे रास्ते मैंने कील रखे हैं। तू यहाँ से बचकर निकल नहीं सकती। नागेश्वर, तेरे मंत्रों की आग की एक हद है। 24 घंटे बाद इसका असर खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे इंतकाम की आग की कोई हद नहीं। ये तब तक नहीं बुझेगी जब तक तू इस धरती पर जिंदा है। अपने इंतकाम की आग में तू खुद जल जाएगी नागिन, इसकी आज तक मुझ पर नहीं आएगी। इसका फैसला आज ही हो जाएगा नागेश्वर। तुझे अपने मंत्रों और बीन पर बहुत नाज है ना, तो उठा अपनी बीन और कर ले मुझे बेबस। मगर मेरा ये दावा है, मैं फिर भी तुझे मारूंगी।
तू नहीं बच सकता नागेश्वर, तेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है। मोहिनी वहीं रुक जा। कर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इस बुढ़िया का सर धड़ से अलग कर दूंगा। उल्टी हुई बाजी सीधी पड़ गई। जय सिद्ध बाबा नागराज। मणि बस बुढ़िया की जिंदगी चाहती है तो मणि निकाल के बाहर रख दे पत्थर पर। अपने चेले से कहो कि माँ जी को छोड़ दें ताकि उसके बाद तू मुझे डस ले। नहीं, मैं वचन देती हूँ। मैं एक सपेरा हूँ, एक नागिन का विश्वास कैसे कर सकता हूँ। तो फिर तुम क्या चाहते हो? अगर तू चाहती है कि मैं तेरी सास को जिंदा छोड़ दूँ तो तुझे अपने विष का त्याग करना होगा। नहीं बेटी, तू मेरी फिक्र मत कर। तू विष का त्याग मत करना। विष ही तो नाग जाति की शक्ति है। माँ जी, मैं आपकी जान बचाने के लिए विष त्याग तो क्या, अपने प्राणों का भी त्याग कर सकती हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने सूरज को क्या मुंह दिखाऊंगी? नागेश्वर, इस बात का क्या भरोसा है कि विष त्याग के बाद तू माँ जी को छोड़ देगा? मैं अपने गुरु सिद्ध बाबा नागराज की सौगंध खाता हूँ, तेरे विष त्यागने के बाद इस बुढ़िया को जिंदा छोड़ दूंगा। मैं विष त्याग करने के लिए तैयार हूं। जेले, छोड़ दे इस बुढ़िया को। बाबा नागराज, अब मुझे तुझसे कोई डर नहीं क्योंकि अब तू विषधारी नहीं, केवल एक इच्छाधारी नागिन है जिसे एक बच्चा भी पत्थर से मार सकता है। मैं तुझे मारूंगा नहीं क्योंकि तू खुद ही मर चुकी है। एक नागिन का विष चला जाए तो नागिन खुद ही खत्म हो जाती है। चलो चलो। नागेश्वर, मैंने अपना विष त्याग किया है, अपनी प्रतिज्ञा का त्याग नहीं किया। मैंने प्रतिज्ञा की थी तुझे मारने की और मैं तुझे आज ही मारूंगी। Thank you.
तू जख्मी हो चुकी है नागिन, मैं तुझे छोड़ भी दूं तो भी तू तड़प तड़प कर मर जाएगी। जय सिद्ध बाबा नागराज। नागिन तो उसी दिन मर गई थी कमीने, जिस दिन उसका सपेरा मरा था। अब तक जो जी रहा है वो उसका इंतकाम है, और ये इंतकाम तुझे मारने के बाद ही मरेगा। आ, 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 देसी हूं, प्यासा हूं, पानी मिलेगा क्या? परदेसी, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान का खतरा मोल लिया। अगर ये नाग तुम्हें काट लेता तो? ये नाग मुझे नहीं काट सकता, क्योंकि नागों से खेलना मेरा काम है। जान बचाने का बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा के जंगल रवाना हो गया है। दीवाना हो गया? कौन दीवाना हो गया? ओफो डार्लिंग, दीवाना नहीं रवाना हो गया है। अरे तो ऐसा बोलो कि रवाना हो गया, ये क्या दीवाना दीवाना लगा रखी है तुम लोगों ने। मैं चलता हूँ, फोटो सेशन के लिए एक मॉडल को ऑफिस में बुलाया है। नहीं समझे? मैं चलता हूं। पैम डार्लिंग। यस डार्लिंग। ये टोनी जाते समय ये क्यों कह के गया कि अच्छा जलता हूँ? डार्लिंग जलता हूँ नहीं, चलता हूँ कहकर गया है। ओह, बहुत धीरे बात करता है। खैर, मणि के हासिल होते ही पहले तो मैं नागेश्वर और उसके चेले को ठिकाने लगाऊंगा, फिर टोनी को, उसके बाद मणि हम दोनों के पास होगी। हम दोनों के पास नहीं, सिर्फ मेरे पास होगी। क्या कहा? हाँ, कुछ नहीं डाले। पैम डाले, हाँ? हमें उस तांत्रिक पे नजर रखनी चाहिए। हाँ। कहीं मनी हासिल करने के बाद उसकी नियत ना बदल जाए। डालेंगे, जरा गाड़ी धीरे चला। खुली सड़क है, अभी तो मैं रफ्तार और बढ़ाऊंगी। गाऊंगी? अरे ये भी कोई गाने का वक्त है क्या? ये क्या किया? अपने आदमी को मार दिया? मारा नहीं, सिर्फ बेहोश किया है। क्या? बेहोश किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मेरा दुश्मन है। डार्लिंग, ये तुम्हारी आंखें नीली कैसे हो गई? मेरी आंखें नीली ही हैं। तुम्हारी काली आंखों वाली पैमला डार्लिंग पिछली सीट पर बेहोश पड़ी है। Oh, my God.
क्या क्या बात है पार्वती, क्या हुआ? मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा। मेरे बेटे को उस नागिन ने डस लिया, मार डाला। उस मोहिनी ने मेरे बेटे को मार डाला। घबराओ, जब तक इसका नक सफेद रहेगा समझ लेना कि तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। जिस दिन इसका नग नीला पड़ जाए समझ लेना मोहिनी का वार मुझ पर हो गया है। प्यास तो लगी है मगर जिसके घड़े के पानी से तुम्हारी प्यास बुझती है ना वो चंदा भी आ रही है। आज फिर प्यासा हूं। चलो आज हिरनी का ही शिकार कर लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आ, 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 आ,
चार बूंद पानी का कर्ज तुमने अपने खून से चुकाया परदेसी। ये पानी का कर्ज नहीं है चंदा, इंसानियत का फर्ज है। चंदा, खराश गहरा जख्म ना बन जाए इसलिए प्यार का मरहम लगाया है। एक खराश यहां भी लगी है, इसका क्या होगा? हाँ तुम्हें मेरा पीछा करने की क्या जरूरत थी? ये काम हम तांत्रिकों का है, तुम बाबू लोगों का नहीं। ना तुम मेरा पीछा करते ना ये एक्सीडेंट होता। रोता? रोया तो मैं तब भी नहीं था जब मैं पैदा हुआ था। परदेसी, एक बात तो बताओ, तुम इस जंगल में क्या करने आए हो? तुमसे क्या छुपाऊं चंदा, मैं सपेरे जाति का तांत्रिक हूं और इच्छाधारी नागिन को अपने बस में करने आया हूं। किस युग की बातें कर रहे हो परदेसी, इस जमाने में कौन इन दंत कथाओं में विश्वास करता है? मैं करता हूं। इच्छाधारी नाग नागिने होती हैं, वो नागिन इसी जंगल में है और उसका नाम है मोहिनी। तो फिर मैं भी देखूंगी उसे। तुम देखोगी तो डर जाओगी। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे डर किस बात का? कब दिखोगे? पूनम की रानी को बस में कर लेगा। अब सोचना ये है कि मणि हमारे हाथ आए तो कैसे? पैसे? पैसे कैसे? जनार्दन सेठ ने आज तक किसी को गाली नहीं दी तो पैसे कैसे देगा? ओ, मैं पैसे नहीं मनी की बात कर रही हूँ। अरे वही बात तो मैं भी कर रहा हूँ, फर्क इतना है कि तुम अंग्रेजी में कर रही हो और मैं हिंदी में कर रहा हूँ। ओ माय गॉड, मैं वो मनी नहीं नागमनी की बात कर रही हूँ, वो हमें कैसे मिलेगी? हिलेगी? कौन हिलेगी? ओफो, नागमनी कैसे मिलेगी? अरे तू चिल्ला काहे को रही हो, धीरे बोलो। तुम नागमनी की बात कर रही हो ना? हाँ। तो ऐसा बोलो, सीधी सी बात है, जैसे ही सूरज मोहिनी को अपने बस में करेगा हमारे आदमी से मारकर मनी छीन लेंगे। गुड आइडिया, इस तरह तो हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। Listen to him. तब तो हमें उन तांत्रिकों की मदद की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जय सिद्ध बाबा नागराज। चक्रव्यूह की रचना तो तुम लोगों ने अच्छी की है, लेकिन इस चक्रव्यूह में से निकलोगे कैसे? एक बात का ध्यान रखना, सूरज मोहिनी को अपने बस में करेगा लेकिन मणि मोहिनी के पेट में रहेगी। तुम लोगों के हाथ में आएगी सिर्फ पिटारी, और उस पिटारी को खोलना तुम लोगों के बस की बात नहीं है। इच्छाधारी नागिन की पिटारी को खोलने का मतलब है अपनी मौत का दरवाजा खोलना। तब तो हमारा ब्राइट फ्यूचर डार्क हो सकता है। अरे बाबा, हम तो मजाक कर रहे थे। इस तरह का मजाक अच्छा नहीं होता मुन्ना, किसी दिन अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। एक बात गौर से सुन लो, तुम्हारे आदमी पिटारी लाके हमें देंगे, पिटारी हम खोलेंगे, मणि हम उगलवाएंगे, और उसके बाद 1 करोड़ रुपया तुम हमें दोगे, हम मणि तुम्हें देंगे। ये क्या कह रहे हैं? बहुत लंबी बात है, बाद में सुनाऊंगा। अगर अभी सुना दी ना
तो पूनम की रात अमावस की रात में बदल जाएगी। जल जाएगी? कौन जल जाएगी? तेरा फ्यूचर कभी ब्राइट नहीं हो सकता बहरे। पूनम की रात आ गई। पार्वती, पार्वती जल्दी आओ। वो देखो चांद जगमगा रहा है, पूनम का चांद। चांद नहीं, यूं कहो हमारा भाग्य जगमगा रहा है। हाँ हाँ पार्वती। आज पूनम की रात। पूनम की रात। We'll be right back.
हैरान हो गए ना परदेसी? बिल्कुल नहीं। जिस दिन मैं तुमसे मिला था, मुझे तुम्हारे जिस्म से बू आ गई थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम ही वो इच्छाधारी नागिन हो। तो फिर उसी दिन अपनी बीन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मुझे इंतजार था पूनम की इस रात का, जब मेरे मंत्रों की शक्ति दुगनी होगी और तुम बेबस। दुनिया में कोई ऐसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो मोहिनी को बेबस कर सके। मोहिनी को अगर कोई बेबस कर सकता है तो है सिर्फ प्यार। हाँ सूरज, मैं तुम्हें कल भी प्यार करती थी, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। एक नागिन का प्यार एक सपेरे से? ये कहानी मुझे समझ में नहीं आई। ये कहानी नहीं, हकीकत है, जिसके दर्दनाक वाक्यात को उस हवेली की एक एक ईंट आज भी दोहरा रही है, जो हवेली तुम्हारी है। आओ सूरज। अरे, ये तो मेरी तस्वीर है। और ये मेरी, लेकिन उस वक्त तुम्हारा नाम सूरज नहीं देव था और मेरा चंदा। हम लोग दिलों में मोहब्बत के चिराग जलाकर अंधेरी रातों में मिला करते थे, मगर एक दिन मोहब्बत के उन चिरागों की रोशनी हमारे खानदानों तक पहुंच गई जिनमें दुश्मनी थी। फिर क्या, वो उन चिरागों को बुझाने के लिए आंधियां बन गए। वो आंधियां हमने अपने जिस्मों पर झेल ली, हमारे जिस्म खत्म कर दिए गए, हमें कत्ल कर दिया गया। यही वजह थी जब मैं तुम्हें पहली बार मिली तो चंदा के रूप में मिली। लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं इस जन्म में जिसका बेटा हूं वो मेरा बाप ही नहीं, मेरा गुरु भी है, और उसकी आज्ञा है कि मैं तुम्हें अपने बस में करूं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, दुनिया में कोई ऐसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ जो मोहिनी को अपने बस में कर सके। उस दिन जब तुम उस लड़की को बचाने के लिए बीन बजा रहे थे, तो तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी बीन के असर से या मंत्रों की शक्ति से वहां आई थी? नहीं, वो मेरा प्रेम था जो तुम्हारे दावे को झूठा साबित नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए, तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक साबित करने के लिए वहां आई थी। 100 साल तक मैं चंदा से मोहिनी बनकर पेट के बल रेंगती रही और तुम्हारी राह देखती रही। तुम कैसे बेदर्द साजन हो, 100 साल बाद मिले भी तो दुश्मन के रूप में अपने बाप की आज्ञा से मुझे भस्मी करने आ गए। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हें अपने बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, वचन हारना पड़ेगा, मगर तुम्हारी मोहिनी ना तुम्हें शर्मिंदा होने देगी और ना ही तुम्हें वचन हारने देगी। जो मोहिनी तुम्हारी बीन की एक आवाज से मीलों दूर का फासला तय कर सकती है, वो 2 कदम पर पड़ी हुई पिटारी में नहीं आ सकती। पिटारी खोल मेरे सपेरे, मैं आती हूं। हमारे हवाले कर दो सपेरे।
जीते रहो बेटा। कितना बड़ा तांत्रिक है मेरा बेटा। संसार भर की सपेरा जाति में आज तक ऐसा तांत्रिक पैदा नहीं हुआ होगा, और उसका प्रमाण है यह इच्छाधारी नागिन मोहिनी जो आपके सामने है। बेटा, मोहिनी से कहो कि मनी दे दे। शाबाश बेटा, देखा आप लोगों ने, आपने आज तक मनी नहीं देखी होगी। मनी? ये देखिए, गौर से देखिए, ये है वो अनमोल नगीना। मगर एक बात याद रखिए, अगर किसी ने भी इस पर बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि मोहिनी मेरे बेटे के बस में है। जो भी इसे छुएगा मोहिनी का जहर उसकी रगों में होगा, समझ गए? बेटा, इसे वापस पिटारी में डाल दो। दो, तीन, चार लाशें, उनको मनी मिल गई, मोहिनी भी मिल गई, और गुप्त खजाना भी मिल जाएगा, और हमारे हाथ आई हमारे ही आदमियों की लाशें। मोहिनी से मनी हासिल कर लेना बड़ी बात थी, लेकिन एक मामूली सपेरे से मनी छीनना कौन सी बड़ी बात है? देखना, आज ही रात को हम लोग
बाबा, सूरज क्या हुआ बेटे? बेटे क्या बात है? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या बात है? बाबा मेरी आंतें बाहर आ जाएंगी। नहीं बेटे, मैं नहीं बच पाऊंगा बाबा। ऐसा मत क्या बेटे, मैं नहीं बच पाऊंगा। जल्दी किसी वैद्य को बुलाइए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। घबराओ मत पार्वती, अब किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास मणि जो है सभी बीमारियों का इलाज। इसे अपने पेट पर रख लो बेटा, ये तुम्हारा सारा दर्द चूस लेगी। ये लो। सो जा बेटे। बाबा हमारा मिल गया। मैंने कहा था ना बेटा, मणि को पूरी रात पेट पर रखकर सो जाओ, सुबह तक बिल्कुल आराम मिल जाएगा। चलो पार्वती, सूरज को आराम करने दो। आओ। ओके डाले, जरा जल्दी आना। चलो जनार्दन। कौन हो तुम लोग? ये जानने की जरूरत नहीं है, मणि निकालो। मणि? कैसी मणि? मेरे पास कोई मणि नहीं। झूठ मत बोल बुड्ढे, चुपचाप मणि हमारे हवाले कर दे। मैंने कहा ना मेरे पास कोई मणि नहीं। तो अब तू भी जिंदा नहीं रहेगा। ठहरो, मैं बताती हूँ, मणि सूरज के पास है। सूरज कहाँ है? कहाँ है सूरज? सूरज उस कमरे में है। वो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है, हमें नहीं, जाएगा कहाँ? खजानों का पता करने के लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो ना? मैं खजानों की रानी हूँ, आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मोहिनी, तुमने जो मुझे प्यार का खजाना दिया है वही नहीं संभाला जाता। मोहिनी, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें आजाद करने के लिए यहाँ लाया हूँ, तुम्हारी मणि लौटाने के लिए लाया हूँ। ये लो, संभालो अपनी अमानत। लेकिन तुम तो... वो एक बेटे का फर्ज था, एक चेले की गुरु दक्षिणा थी जो उसने पूरी कर दी। ये एक प्रेमी का फर्ज है जो अपनी प्रेमिका को आजाद देखना चाहता है। प्रेमिका? हाँ मोहिनी, मैं तुम्हें चंदा के रूप में भी प्यार करता था और मोहिनी के रूप में भी प्यार करता हूँ। मैं हूँ तेरा दीवाना, मुझको ना तरसाना। मैं हूँ तेरा दीवाना, मुझको ना तरसाना। नाज़ का पहरो
लगता है मुझको प्यारा मुझसे ना मुखड़ा मोड़ ओ गोरी दिल ना तोड़ नैन से नैन मिला दे मेरे दिल की प्यास 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 बुझा दे रे दिल ना तोड़ ओ गोरी दिल ना तोड़ अभी वो रीवा के जंगलों में ही होगा इससे पहले नहीं सूरज नहीं तुम मेरे मन के मालिक तो हो ही लेकिन तन का मालिक बनने से पहले तुम्हें रीति रिवाज के साथ मुझे अपनाना होगा मुझसे शादी करनी होगी ठीक है मोहिनी तुम शादी का जोड़ा पहनकर बैठो मैं अभी पंडित को बुला कर लाता हूं मेरे पास नहीं है तो फिर कहाँ है मेरी मेरी प्रेमिका के पास कौन है तुम्हारी प्रेमिका मोहिनी तो कहाँ है मोहिनी बता बताता है कि नहीं ठहरो जरा कहाँ है मोहिनी मुझे उस नागिन की बू आ रही है इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त ना हमारे पास बीन है और ना ही विभूति चलो Oh,
सूरज, 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 ये क्या हो गया सूरज? शहनाइयां माता में बदल गई है मोहिनी। प्रेम के दुश्मन तब भी थे और आज भी है। नहीं सूरज नहीं, मैंने तुम्हें एक बार खोया था तो 100 साल तुम्हारे लिए तड़पना पड़ा था, अब तुम्हें नहीं खो सकती सूरज। हमारी मोहब्बत किसी राग के नसीब में शायद जुदाई की आंधियां ही लिखी है। लेकिन मैं तो तुम्हारी सुहागनपन के सपने देख रही हूँ सूरज। सूरज, सुहाग का सूरज डुबोकर मेरी जिंदगी में अंधेरा करने वाले कातिलों, मोहिनी तुम्हारे लिए मौत की काली रात बनकर आ रही है। मोहिनी के जहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये मोहिनी की प्रतिज्ञा है। बेटा सूरज, 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 माँ जी, आपका बेटा सूरज अब इस दुनिया में नहीं है। नागिन, आखिर तूने मेरे बेटे को मार ही दिया ना? नागिन हो या औरत, अपने पति को कोई नहीं मारती। पति? हाँ माँ जी, आपका बेटा मेरा पति था। ये देखिए, मेरा सुनहरा लिबास सफेद कपड़ों में बदल गया। उन जालिमों ने दौलत के लालच में मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। इसका मतलब है तुम जानती हो मेरे बेटे के कातिल कौन है? हाँ जानती हूँ, लेकिन बताऊंगी नहीं, क्योंकि वो मेरे सुहाग के कातिल हैं। उनसे बदला मैं लूंगी। जब तक एक एक करके उन्हें मौत के घाट नहीं उतारूंगी, ना चैन से बैठूंगी और ना ही उन्हें चैन से बैठने दूंगी। आप अपने घर में 4 चिराग जलाकर रखिए। जिस कातिल के खून से मैं अपने इंतकाम की आग बुझाऊंगी, उसके नाम का चिराग बुझ जाएगा। ये मंत्रयुक्त मालाएं हैं, इसे अपने अपने गले में बांध लो। जब तक ये माला तुम्हारे गले में रहेगी, वो नागिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि वो नागिन किसी भी भेष में, किसी भी रूप में आकर तुम्हें उकसाएगी कि तुम ये माला उतार दो। इससे पहले कि वो नागिन के रूप में बदले, उसे वहीं खत्म कर देना, और उसे खत्म करते ही इस माला को फौरन उतार कर फेंक देना, नहीं तो तुम लोगों को हानि पहुंचेगी।
प्लीज छुप इट। मुझे कल तक ये तस्वीरें कंपनी को देनी है, अदरवाइज आई विल बी इन डीप ट्रबल। लेकिन धोनी, मैं बहुत बीमार। व्हाट डू यू मीन बीमार हूँ? इतनी जल्दी मैं दूसरी मॉडल का इंतजाम कहाँ से करूंगा? यू आर टॉकिंग शिट। बात तो सुनो। हेलो Now you shut up. I don't need you anymore. Get lost. Hello, hello. May I come in, please? Yes, please, please. Please have a seat. Oh, thank you. Excuse me, can I use your cigarettes, please? Oh, sure, sure, sure. Thank you. मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मैं आपको नहीं, बल्कि अपने ब्राइट फ्यूचर को देख रहा हूँ। आपके बेपनाह हुस्न को देख रहा हूँ, कुदरत के कमाल को देख रहा हूँ। कमाल आपने देखा ही कहाँ है, कमाल तो आप अब देखेंगे। Don't move, darling. इसी अंदाज में एक पोज दे दो तो मेरा फ्यूचर और ब्राइट हो जाए। Ready? नहीं नहीं नहीं, ये बैकग्राउंड अच्छी नहीं है। ये अच्छी है। मैं वहां आता हूं, तुम यहां आ जाओ। ओके। Darling, थोड़ी सी जरा चिन ऊपर करो। स्लाइड प्रोफाइल, या दैट्स फाइन। अब अपने ये खूबसूरत बाल पीछे करो। ब्यूटिफुल, राइट, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। नाउ आई एम रेडी टू शूट। रेडी? वो नागिन किसी भी फेस में, किसी भी रूप में आकर तुम्हें उकसाएगी कि तुम ये माला उतार दो। अजी साहब, वो देखिए क्या जमाना आ गया। पहले लड़की के पीछे लड़का भागता था, आज लड़के के पीछे लड़की भाग रही है। अबे मैं भाग रहा हूँ क्या? नहीं नहीं साहब, आपको नहीं, वो देखिए। चोर चोर चोर, कोई है चोर? चलो पीछे करो उनका। यस सर। मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? मैं चोर नहीं हूँ, प्रेस फोटोग्राफर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। साहब झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब। ये लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कसम से मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मां कसम। चुप! इसने आपका क्या चुराया है? इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरा पर्स चुराया है जिसमें 2000 रुपए भी हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोली। आप चाहे तो मेरी जेब चेक कर ले। अबे चुप! तलाशी लो इसकी। साहब ये रहा। इंस्पेक्टर साहब ये पर्स मेरा है। जो मैं ये 2000 रुपए भी दे रहे हैं?
हाँ, 2000 रुपए भी मेरे हैं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब देखिए इसमें तस्वीर किसकी है। हाँ हाँ देख लीजिए, तस्वीर मेरी और किसकी है। हाँ। अबे अगर ये पर्स तेरा है तो इसकी तस्वीर तेरे पर्स में कैसे बे? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अभी तो डंडे पड़ेंगे बेटा, सब पता चल जाएगा। ले चलो इसको। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, जो माला इनके गले में है वो माला भी इन्होंने मेरी चुराई है। नहीं, ये माला तो मैं आपको किसी कीमत पर नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर साहब आपने मेरा पर्स ले लिया, मैं कुछ नहीं बोला। आप मुझे नंगा कर दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने ये माला मुझसे छीन ली ना तो मेरे ब्राइट फ्यूचर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। अबे चुप, ये मामूली सी माला आपकी है। ये मामूली सी माला नहीं है इंस्पेक्टर, ये बहुत कीमती रुद्राक्ष है। इसकी माला उतार हो रहा है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने ये माला उतार दी ना तो ये नागिन मुझे डस लेगी। इंस्पेक्टर साहब ये जो आपको लड़की नजर आ रही है, ये लड़की नहीं है, इच्छाधारी नागिन है जो मुझे जान से मार डालना चाहती है। अबे तो इंस्पेक्टर बगदादी को कोई फिल्मी डायरेक्टर समझ रहा है, साले फिल्मी कहानी सुना रहा है, उतार मारा। नहीं इंस्पेक्टर साहब प्लीज, इंस्पेक्टर साहब चलता उधर। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपने मेरा काम आसान कर दिया। टैक्सी जल्दी यहां से ले चलो। साहब कहां ले चलूं? साहब कहां ले चलूं? कहीं भी ले चलो, बस उस नागन से दूर ले चलो। करती हूँ काम मैं तेरा तमाम देख जालिम, नागिन से दुश्मनी का अंजाम देख जालिम। अब ये दरवाजा तेरी मौत के बाद खुलेगा। बचाओ बचाओ। आपके बेटे का एक कातिल आज मारा गया। मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे सुहाग को बचा लीजिए, इसे नाग ने काटा है। एक बार आपके बेटे ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसी उम्मीद को लेकर यहाँ पर आई हूँ। मेरे पति को बचा लीजिए। मेरा वो बेटा, वो सपेरा जिसने मोहिनी को मोहकर तेरी जान बचाई थी बेटी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। सपेरा मर गया तो क्या हुआ बापू, लेकिन उसकी नागिन मोहिनी अभी जिंदा है। की जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकती। मैंने कोई उपकार नहीं किया, सुहाग लूटने का दर्द मैं जानती हूं। ये वो देवी है जिसने एक बार मेरी जान बचाई थी, और आज आज तुम्हारे शरीर का जहर पीकर तुम्हें जीवन का अमृत पिलाया है।
बहन, मैं तुम्हारा ये आसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरे घर चलिए। आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। आज से 10 दिन बाद राखी है, तो मैं राखी बांधने जरूर आऊंगी। ये मेरा वचन है। जय सिद्ध बाबा नागराज। वो नागिन अब इंतकाम लेने पर उतर आई है। उसका पहला शिकार टॉनी था। अब वो हम तीनों में से एक को मारेगी, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। सुनो जनार्दन, हम तो तांत्रिक हैं, मंत्रों की शक्ति से अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी रक्षा सिर्फ ये माला करेगी। इसे कभी भी अपने से अलग नहीं करना। और एक बात याद रखना कि वो किसी भी फेस में, किसी भी रूप में तुम्हें इसे उतारने के लिए उकसा सकती है। का ध्यान रखना कि वो नागिन किसी भी भेष में, किसी भी रूप में आकर तुम्हें उकसाएगी कि तुम ये माला उतार दो। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। लगता है तुम उस नागिन से डर गए हो। अरे नहीं नहीं, मेरे गले में तो माला है, जब तक ये माला है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो भी ठीक है। तुम ये ड्रिंक पियो, मैं अभी आती हूँ। रंग तो जहर का है। वो नागिन मुझे जहर देके मार देना चाहती है, लेकिन मैं तेरी कोई चाल चलने नहीं दूंगा। नागिन, क्या हुआ? पैमिला, उस नागिन ने मेरी शहर में शराब, मेरा मतलब मेरी शराब में जहर मिला दिया है। इसका रंग नीला हो गया है। ये तुम्हारा वहम है। तुम इस कदर डर गए हो कि तुम्हें शराबी जहर नजर आ रही है। क्या बात कर रही हो? देखो, विस्की का रंग तो ओरिजिनल है। मौत के खौफ से बाहर आओ। खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे लिए बाहें फैला कर खड़ी है। आओ, मैं तुम्हारा जी बहलाती हूँ। खराब है वो भी खराब है।
कुछ सवेरे तक, ये सब कुछ है अंधेरे तक, न होगा कुछ सवेरे तक, आज जवानी है, जालिम शराब है, आज जवानी है, जालिम शराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, बचो, 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 जानी मन, आज जवानी है, जालिम शराब है, आज जवानी है, जालिम शराब है, आउच, जाले, तुम ये माला उतार दो, क्या उतार दूँ? माला उतार दो। नहीं नहीं, जानती नहीं, ये माला शक्ति है, बचाव है मेरा। इसीलिए तो कह रही हूँ, हमारे मिलन से ये माला अपवित्र हो जाएगी और अपनी शक्ति खो देगी, इसे उतार दो प्लीज। नहीं नहीं। तो भी ठीक है, मैं चलती हूँ। इससे पहले कि वो नागिन के रूप में बदले, उसे वही खत्म कर देना। मैं जानता हूँ तुम मायावी है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या करो जाले? और उसे खत्म करने के thank you.
आशेरू। भैया आज तुमने राखी की लाज रख ली। तुमने मुझे राखी बांधी है, तुम मेरी बहन हो। आज के दिन भाई बहन को कोई ना कोई उपहार जरूर देता है, लेकिन मैंने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया। मेरी तरफ से ये उपहार है शेरू। वैसे तो ये नाग जाति का दुश्मन है, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त बनकर रहेगा।